जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। शरद पूर्णिमा पर 30 साल बाद चंद्र ग्रहण, इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा थी और उसी शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगा है। 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 5 राशियों की भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसका सूतक भी भारत में मान्य था। इस दिन एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बना था। भारत में दृश्यमान चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 की देर रात को लगा था और इसकी समाप्ति 2 बजकर कुछ मिनट पर हुई थी। देर रात यह समाप्त हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण के साथ इसी दिन शरद पूर्णिमा का शुभ संयोग भी था और इस दिन गज केसरी योग भी रहा। यह संयोग करीब 30 वर्ष बाद बना था। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण पर 30 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना। इस अद्भुत संयोग के कारण 4 राशियों को नुकसान का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। भक्तों, कौन सी है वह राशियां जिन राशियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? फर्स्ट नंबर पर वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण के कुप्रभाव के कारण उनके जीवन में उनको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है या धन हानि के दुर्योग बन सकते हैं। आय के साधन इस ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होंगे। उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है तथा करियर में भी भारी नुकसान का सामना उन लोगों को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर पर सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन में इस ग्रहण के कुप्रभाव के कारण पारिवारिक रिश्तों में तनाव की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि आप कहीं भी रुपये का लेन देन करते हैं तो उसमें आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी से कर्ज ले रहे हैं या फिर अपना पैसा किसी को उधार दे रहे हैं तो उसके वापसी मिलने में समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपको विशेष सावधानी इस अपने जीवन में बरतनी चाहिए। थर्ड नंबर पर तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत नजर आ रही है। जो लोग जो छात्र स्टडी कर रहे हैं उनके छात्रों में शिक्षा में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। करियर में सफलता मिलने में अधिक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है और संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा। फोर्थ नंबर पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का जो कुप्रभाव है, वृश्चिक राशि के जातकों को इससे चोट का भय बना रहेगा। दुर्घटनाओं आदि से आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप कोई लंबी यात्रा करते हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो आपको विशेष सावधानी करनी चाहिए। यात्राओं पर जाने से आप बचें तथा किसी भी प्रलोभन में आप ना आए, ऐसा करने से आप बचें। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।